की मान्यताओं के अनुसार वीर हनुमान एक ऐसा नाम है जिसका जाप करते ही भूत, पिशाच, भ्रम, डर और सारी अड़चनें दूर भाग जाती हैं। ऐसे में वीर हनुमान सभी के हृदय में अपना एक विशेष स्थान रखते हैं। हिंदुओं में खास तौर पर पुरुष हनुमान जी की तपस्या बल, बुद्धि और विद्या की प्राप्ति के लिए करते हैं, वहीं महिलाएं हनुमान जी से हर कष्ट को दूर करने की प्रार्थना करती हैं। वैसे तो दुनिया भर में हनुमान जी के कई मंदिर स्थापित हैं। इन्हीं मंदिरों में अपना एक विशेष स्थान रखता है राजस्थान के मदनगंज किशनगढ़ में स्थित दयालु श्री हनुमान जी का मंदिर। ये मंदिर जो की है, ये मदनगंज बसने से पहले ही एक स्वयंभू आकर एक हमारे पूर्वजों ने मंदिर चबूतरे पे निर्माण किया था। उसके बाद में जैसे जैसे समय बदलता गया, समय की परिस्थितियां बदलती गई, उस हिसाब से ये मंदिर भव्य और बड़ा होता गया। कहते हैं कि इस मंदिर के निर्माण से पूर्व करीब 100 वर्ष पहले पुजारी के पूर्वजों के स्वप्न में बालाजी महाराज के दर्शन हुए। मंदिर के पुजारी के इन्हीं पूर्वजों के एक भक्त को मंडावरी गांव के एक बड़ के पेड़ के नीचे जमीन में बालाजी की प्रतिमा मिली। स्वप्न में आके बालाजी महाराज ने आके स्वप्न में एक बार, दो बार, 10 बार दर्शन दिए। फिर बालाजी महाराज को लेकर के मंडावरिया गांव स्थित पेड़ के नीचे, बड़ के नीचे, जमीन के अंदर थे ये, इनको लेकर के चौराहे के तरफ पुराना बेरा था, एक बेरा वहां पे लेके जा रहे थे। रास्ते में बालाजी महाराज यही पे विराजमान करके पानी पीना, ये कुआ के पास पानी पीने की कोशिश की पूर्वजों ने, तो बालाजी महाराज यही जाम हो गए, वापस आगे गए ही नहीं। इस मंदिर की प्रसिद्धि तब और बढ़ गई जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान महाराजा मदन सिंह यहां अपने विजय के लिए माथा टेक कर गए। उन्होंने दयालु श्री हनुमान जी से अपनी जीत की विनती की और जीत जाने के उपरांत वापस लौटने पर धूमधाम से हनुमान मेले का आयोजन करने की कामना की। यहाँ पे किशनगढ़ के महाराजा मदन सिंह जी जब द्वितीय विश्व युद्ध लड़ने के लिए गए थे, तब रास्ते कच्ची रास्ता था यहाँ पे पहले, उसमें युद्ध करते समय रास्ते में ये मंदिर पड़ा, तो जाते समय बालाजी महाराज के चबूतरे पे अर्ज करके तो वापस मैं युद्ध जीत के आऊंगा, उसी समय से ये मंदिर का मेला चालू करूंगा या कोई धार्मिक प्रोग्राम कराऊंगा, उसी समय वापस द्वितीय विश्व युद्ध जीत के वापस आते ही महाराजा किशनगढ़ वापस न जाकर यही पे मंदिर पे आके यहाँ से फतवा जारी किया 210 गांव को, और उसके बाद में 210 गांव के लहरिए ढोल सेनाई नगाड़ों सहित आते थे। महाराजा मान सिंह की विजय विनती को दयालु हनुमान जी ने पूरा किया और तब से अब तक हर साल यहाँ भादवा सुदी 13 के दिन मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले में आसपास के सभी गांवों से भक्तों का सैलाब उमड़ता है। यहाँ की परंपरा के अनुसार लहरिया गुंबद पर बांधा जाता है। मेले पे वार्षिक महोत्सव होता है, तो मेले पे मंदिर के प्रोग्राम में तो जल झूलनी 11 जो रेवाड़ियां होती है, साल में एक बार ही ठाकुर जी ब्रजाशरण जी बाहर जाते हैं, तालाब पे जाके वापस पूजा अर्चना होके वापस यहाँ पे स्थापित होते हैं। उसके बाद में दूसरा दिन जागीना, जो जागरण लगता है वो मंदिर प्रांगण में लगता है और वही पुराने रीति रिवाज से ही लगता है। इसके बाद में दूसरे दिन सुबह 4 बजे से ही आरती होके पूरे दिन भर का मेला रहता है, वो रात्रि 11-12 बजे तक मेला रहता है। मदनगंज के दयालु श्री हनुमान जी के मंदिर की आरती से श्रद्धा के और दीप प्रज्वलित करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।